पेट्रोल बम बता रहे हैं कि किस तरह से साजिश रची गई थी और किस तरह से यहाँ से अटैक किया जा रहा था। बिल्कुल बेकसूर हूँ, बेगुनाह हूँ, मुझे फंसाया जा रहा है। दिल्ली हिंसा की आग का धुआं तो अब शांत पड़ चुका है, लेकिन उत्तर पूर्वी इलाके के इस घर से आए मंजर को भुलाना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। दिल्ली का खजूरी खास इलाका 3 दिनों तक जलता रहा और इस घर से पेट्रोल बम, पत्थरों और तेजाब की बारिश होती रही और इन सब के केंद्र में रहा सिर्फ एक शख्स, इस इमारत का मालिक और आम आदमी पार्टी का पार्षद हाजी ताहिर हुसैन। हैरान और परेशान करने वाली इन तस्वीरों के बाद आपने ताहिर हुसैन को निलंबित कर दिया और ताहिर हुसैन खुद अंडरग्राउंड हो गया। 8 दिन तक गायब रहने के बाद ताहिर हुसैन सबसे पहले आज तक पर नजर आया, गिरफ्तारी से ठीक पहले। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट की पार्किंग से ही ताहिर को दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, लेकिन उससे पहले दिल्ली हिंसा के बाद क्यों फरार हुआ ताहिर? 8 दिनों तक कहां रहा ताहिर? पुलिस के पास क्यों नहीं गया ताहिर? दिल्ली हिंसा में ताहिर का क्या रोल था? इन तमाम सुलगते सवालों का ताहिर ने आज तक के कैमरे पर सबसे पहले जवाब दिया। 24 तारीख की कोई ऐसी वारदात नहीं हुई जिससे कोई नुकसान होता किस तरह का भी, लेकिन ये जितनी भी वारदात है ये खतरनाक वारदात जो है, जो भी वहाँ सामग्री दिखी है, जो भी वहाँ पे डेथ हुई है, वो सब 25 तारीख की हैं और मैं 24 तारीख को ही वहाँ से 11 बजे पुलिस को अपनी बिल्डिंग को हैंड ओवर करके चला गया था वहाँ से। मुझे पूरा यकीन है अपने देश के कानून पे कि मैं निर्दोष साबित हूँगा, बल्कि मैं चाहता हूँ कि अगर पूरे देश में लाइव किया जाए, मेरा नार्को टेस्ट भी कराया जाए, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो सब सच सामने आ जाएगा। अब नार्को के लिए तैयार? मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मैं हर तरह की जांच के लिए तैयार हूँ, कोई भी जांच के लिए मैं तैयार हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं बेकसूर हूँ, मैं बेगुनाह हूँ, मैं खुद अपने परिवार की अपनी जान बचा के वहाँ से निकला हूँ, तो मैं बहुत डर गया था। और मुझे जो है वकीलों ने जो ये बात की थी आपकी जमानत हो जाएगी, याचिका हम लगाते हैं, हम लोग पिछले फ्राइडे को सरेंडर करने जा रहे थे लेकिन टाइम खत्म हो गया था कोर्ट का, जिसकी वजह से हमें वापस आना पड़ा। फिर सैटरडे संडे जो है हम लोग इसमें थे कि हम मंडे को याचिका लगाए थे, मंडे को पेपर तैयार किए थे, उसके बाद याचिका लगाई है, जो कि फिर ये आज मालूम पड़ा कि इसमें और भी चार्ज हमारे ऊपर लगा दिए हैं, तो इसलिए अब हमें सरेंडर करने ही हमारे पास ऑप्शन। अंकित की मौत से मैं बेहद दुखी हूँ और मैं उनके दुख में शामिल हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 24 तारीख के शाम को ही वहाँ से 11 बजे के बाद जो है पुलिस ने अपने हैंडओवर बिल्डिंग को ले लिया था और सारा मामला 25 तारीख का है। ताहिर हुसैन पर 3-3 मुकदमे दर्ज हैं। आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या का संगीन केस है। दिल्ली पुलिस का दावा है कि हिंसा की आग भड़काने में इसी शख्स का हाथ है। ताहिर हुसैन ने अग्रिम जमानत की याचिका के साथ अदालत का दरवाजा खटखटाया, लेकिन जब उम्मीद डूबती दिखी तो सामने आने में ही अपनी भलाई समझी। आज तक के कैमरे पर ताहिर हुसैन ने सरेंडर का इरादा बताया, लेकिन कोर्ट पहुंचने से पहले ही दिल्ली पुलिस ने आरोपी पार्षद को दबोच लिया। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्राइम ब्रांच की टीम ने ताहिर को गिरफ्तार कर लिया है और ये जो गाड़ी है इसमें लेकर क्राइम ब्रांच की टीम जो है वो निकल रही है और ये वो गाड़ी है जिसमें लेकर क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ से रवाना हो रही है। गिरफ्तारी से पहले ताहिर हुसैन ने आज तक को फरारी की पूरी कहानी अपनी जुबानी बताई, खुद को बेकसूर और सियासी साजिश का शिकार बताया, लेकिन खजूरी खास के उसकी छत पर आज तक ने जो देखा वो कोई इनकार नहीं कर सकता। सबसे बड़ा सवाल ताहिर हुसैन को लेकर, उनका ये घर है, मैं आपको दिखाना चाहूंगी यहाँ के हालात। देखिए ये पेट्रोल बम है, बोतल में बकायदा पेट्रोल डालकर और ऊपर से कपड़े के जरिए उसका मुंह बंद कर दिया गया था और आरोप है कि इनको जलाकर यहां से छत से नीचे फेंका गया। ये एक हिस्सा आप देख रहे हैं, दूसरे हिस्से में आते हैं, ये देखिए ये दूसरा हिस्सा, इस तरह के तमाम आपको दिख जाएंगे बॉक्स जिसमें रखे हुए हैं पेट्रोल बम और उसके ऊपर कपड़ा लगाकर जो आरोप है कि ताहिर हुसैन के घर से नीचे फेंका गया है। इस तरह से पत्थर, ये देखिए पत्थर इकट्ठे करके रखे गए हैं, पूरी की पूरी छत पर हमें पत्थर दिखाई दे रहे हैं। ताहिर हुसैन का हिसाब किताब अब अदालत को करना है, पुलिस जांच करेगी, अदालत को सबूत सौंपेगी, सबूतों के बिना पर अदालत फैसला करेगी। लेकिन दिल्ली पुलिस के नाम तो एक और नाकामी दर्ज हो ही गई है, एक तो हिंसा रोकने में असफल रही और फिर फरार आरोपी को भी ढूंढने में नाकाम हुई। जहां दिल्ली पुलिस पूरी तरह से
ताहिर हुसैन को ढूंढने में नाकाम नजर आई, वहां आज तक ने उसको ढूंढ निकाला और न सिर्फ ढूंढा बल्कि उससे वो तीखे सवाल भी पूछे जो जनता जानना चाहती थी दिल्ली हिंसा से जुड़े हुए मामले को लेकर। लेकिन ताहिर ने कहा कि वो खुद इस मामले में पीड़ित है और नार्को टेस्ट तक कराने को तैयार है। बहरहाल ताहिर की गिरफ्तारी के बाद अब ये सवाल खड़ा हो रहा है कि अब इस मामले में जांच की दिशा क्या होगी।